हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रसम पाउडर। इस रसम पाउडर को यूज करके क्विक रसम बनाने के लिए बोनस टिप सेक्शन को देखना ना भूलें। फ्राइंग पैन को गर्म करके फ्लेम कम कर लें। हम इन इंग्रेडिएंट्स को बैचेस में भूनेंगे। अगर आप बड़ी मात्रा में बनाना चाहते हैं तो इन इंग्रेडिएंट्स को धूप में 4 से 5 दिनों के लिए अच्छे से सुखा लें और फिर इन्हें भून के पीस लें। अब 6 सूखी लाल मिर्च डाल के इनके रंग में बदलाव आने तक भून लें। भूनते वक्त चम्मच को चलाते रहें ताकि ये इंग्रेडिएंट्स जल ना जाएं, नहीं तो रसम पाउडर का स्वाद और फ्लेवर बदल जाएगा। इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लें। 1/4 कप साबुत धनिया डाल के इसके भी रंग में बदलाव आने तक भून लें। अब 1 बड़ा चम्मच जीरा के रंग में बदलाव और इनके अरोमा आने तक भून लें। एक बड़ा चम्मच तुअर दाल और 1 बड़ा चम्मच चना दाल के गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें एक साथ भून लें। भूनने से पहले इंग्रेडिएंट्स में से पत्थर या और कोई गंदगी हो तो निकाल दें। इसी तरह से 1 छोटा चम्मच मेथी दानों को भून लें। अब अरोमा आने तक 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च को भी भून लें। स्टोव को स्विच ऑफ करके इसमें डालें 1/4 छोटा चम्मच हींग, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 सेकेंड के लिए भून लें। ठंडा होने के लिए रख दें। इसके ठंडे होने के बाद मिक्सी जार में भर लें और इन्हें बारीक पीस लें। अगर आप इन्हें बैचेस में पीस रहे हैं तो पहले अच्छे से मिला लें और फिर पीस लें। अब इस तरह प्लेट में फैलाकर इस पिसे मसाले को ठंडा होने दें। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसे सूखा हुआ एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। रसम पाउडर तैयार है। इस पाउडर के ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहने के लिए ताज़े इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करें। रसम पाउडर का शेल्फ लाइफ यूज़ कर रहे इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी पर निर्भर करता है। आइए ये रसम पाउडर यूज़ करके एक आसान टमाटर रसम बना लेते हैं। पैन में 2 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लें। अब इसमें डालें 1/4 छोटा चम्मच राई, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और इसके थोड़े क्रिस्प होने तक भून लें। अब डालें कटा हुआ टमाटर, 2 मसला हुआ लहसुन और टमाटर के थोड़े नरम होने तक पका लें। आप स्पून की मदद से भी टमाटर को मसल सकते हैं। अब डालें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच रसम पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिला लें। अगर आप रसम को और थोड़ा तीखा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी काली मिर्च को क्रश करके डाल लें। अब इसमें डालें 1 कप पानी और अच्छे से मिला लें। आप स्पून की मदद से भी टमाटर को मसल सकते हैं। अच्छे से मिला के 1 और कप पानी डाल लें। अब सीजनिंग चेक कर लें, ज़रूरत पड़े तो नमक डाल लें। अब मध्यम फ्लेम में उबाल लें। झाग आते ही स्टोव को स्विच ऑफ कर लें। झाग आने के बाद रसम को ना उबालें, नहीं तो इसका टेस्ट बदल जाएगा। धनिया पत्ते से गार्निश कर लें और सर्व करने तक कवर करके रख लें। टमाटर रसम तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।